प्याज और लहसुन में दोष का है, वो जमीन में उगता है जैसे आलू उगते हैं, फूल उगता है, सुगंध बहुत आती है, तुमने देखा होगा खाके जी, मोबसार अगर बगल में वो खा के बैठ जाए जी, अलग मोबसार। तो देवता अगर आना भी चाहे तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं, हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है, क्योंकि वो राक्षस के मन से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना पड़ चुका। एक राक्षस ने अमृत को पी लिया धोखे से, नाम था राहुल। अब जब भगवान को पता चला कि इसने अमृत पिया तो तुरंत भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया, तो उसके गले से होती हुई वो बूंद जो पेट में जाने वाली थी, पेट में ना जाकर वो अमृत की दो बूंद जमीन पर गिर गई। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। दोस्तों दोनों गुरुजी बहुत महान हैं, इनको हम प्रणाम करते हैं और अपने लिए थोड़ा क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी पंडित हूं और सुन करके कोई बात रहा नहीं जाता, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि असली वजह तो गुरुजी ने बताया नहीं, हो सकता है गुरुजी ने जो बताया कि राक्षस संभल है लहसुन प्याज ऐसा वैसा, ये सारी कहानियां छिप कहानियां बहुत हैं पुराणों में, तो कहीं हो सकती है, लेकिन असली वजह तो बताया नहीं, इसलिए मैं असली वजह बता रहा हूं कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। हालांकि दोस्तों ये मेरा चैनल ब्लॉगिंग का है और यहां पे मैं ब्लॉगिंग वीडियो बनाता हूं, लेकिन कभी कभार बोलना पड़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में साफ साफ कहा है, सत्वगुणी रजोगुणी और तमोगुणी ये तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं और तीनों के आहार अलग अलग होते हैं, सात्विक राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन मीठा और फल, ऐसी चीजें आप समझ सकते हैं जो साधु लोग करते हैं। राजसी खट्टा चटपटा नमकीन तीखा मसालेदार, ऐसी चीजें राजसिक हो गई। और तामसिक भोजन वो है जो राक्षस लोगों का भोजन कहा जाता है, ऐसे भोजन को कभी नहीं करना चाहिए, खट्टा सड़ा हुआ अदपका गला ऐसे दुर्गंधयुक्त ऐसे भोजन को कभी नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज को असल में क्यों नहीं खाना चाहिए हिंदू धर्म में, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं, जो जिसका प्रमाण है दोस्तों हमारे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यातयामम गतरसं पुति परियुषितं च यत उच्चिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसं प्रियं। यानी जो भोजन अधपका हो, सड़ा हो, गला हो, बासी हो, दुर्गंध युक्त हो, गर्म हो, ऐसे भोजन को तामसी भोजन कहा गया है। तामस का मतलब भी होता है दोस्तों राक्षसी, राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों का ही पसंदीदा भोजन है ये सब, और इसे तामसी प्रवृत्ति वाले लोग ही खा सकते हैं, ऐसे लोगों से ईश्वर काफी दूर रहा करते हैं। लहसुन प्याज तामसी क्यों है उसकी वजह मैं बताता हूँ। तामसी होने का दो वजह हो सकता है, एक तो गर्म पदार्थ हो, अधिक गर्म पदार्थ हो वो तामसी भोजन कहा जाता है, जो कि ये है उष्णता है। हालांकि प्याज को ठंडा मानते हैं लोग, लहसुन तो गर्म है वो सभी जानते हैं, लेकिन प्याज को ठंडा मानते हैं, लेकिन प्याज का तासीर गर्म होता है, तो प्याज भी गर्म होता है, लहसुन भी गर्म होता है, लहसुन प्याज को गर्म भोजन मानते हैं और इसलिए इसे तामस कहा जाता है, और लहसुन प्याज दोनों से दुर्गंध आती है। श्लोक में मना किया है कि दुर्गंध युक्त भोजन भी नहीं करनी चाहिए, तो दुर्गंध तो इसमें कूट कूट कर भरी हुई है, इसीलिए ऐसे भोजन को नहीं करना चाहिए, यह राक्षसी प्रवृत्ति वालों का भोजन कहा गया है। हालांकि दोस्तों डॉक्टर और वैज्ञानिक लोग काफी साबित कर चुके हैं कि लहसुन प्याज काफी फायदेमंद होता है, इसे जरूर खाना चाहिए, तो अपनी अपनी विचारधारा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप खाइए, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे असलियत बताएं कि क्यों नहीं खाना चाहिए लहसुन प्याज। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू, धन्यवाद।